नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से, ये डेटा क्या कहता है। मैं जब ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने पाया कि ये बहुत लंबा होता जा रहा है। ये विषय ही कुछ ऐसा है, एमपीज के सैलरीज और अनाउंसेस और पेंशन इतने ज्यादा हैं कि वो एक एपिसोड में कवर नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैंने ये दो भागों में कर दिया है। आज मैं पार्ट वन प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगले हफ्ते हम फिर से पार्ट टू वहीं से शुरू करेंगे। सरकार का ही डेटा, उन्हीं की बातें हम लाते हैं आप तक इस प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते कुछ दो खबरें ऐसी आई जिसकी वजह से मैं ये आज का एपिसोड कर रहा हूँ, हमारे एमपीज की सैलरी कितनी है। पहली खबर थी ये, केजरीवाल जी ने अपने एमएलए की तनख्वाह और अलाउंसेस ये 66% बढ़ाए थे और ये अभी भी नाखुश हैं। ये कहते हैं कि हम अभी भी बाकी स्टेट से बहुत पीछे हैं, बीजेपी और कांग्रेस रूल स्टेट्स में एमएलए को करीब करीब 1.5 गुना तनख्वाह मिलती है। फिर एक और खबर आई थी जो थोड़ी सी सेंसेशनल थी, शायद आपने भी देखा हो, ये टाइम्स नाउ पर ये प्रोग्राम चला था, डिबेट्स भी हुई थी। पंजाब सरकार कुछ एमएलए, कुछ नहीं 93 एमएलए, उनके जो आई थिंक 117 एमएलए हैं, उसमें से 93 एमएलए का इनकम टैक्स सरकार भरती है। सरकार कहती है कि हमने इनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे रखा है, इसमें जिनका टैक्स भरा जा रहा है उसमें प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे एमएलए या मिनिस्टर्स भी हैं। एक वहां के एक एडवोकेट हैं एचसी अरोड़ा जी, उन्होंने एक पीआईएल दर्ज की है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। केस की सुनवाई दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन उठता है कि क्या राज्य सरकारें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे सकती हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि पहले आप वो प्रश्न का जो है वो सुलझाइए, उसके बाद ये केस पर हम देखेंगे। तो ये देखकर मैंने सोचा कि एक एपिसोड किया जाए कि हम देखते हैं हमारे एमपीज की वास्तविक तनख्वाह कितनी है, एंड डू दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ सैलरी, और आर दे वर्किंग टुवर्ड्स इट। अटेंडेंस को लेके हमेशा एक सवाल खड़ा हुआ है, हमेशा आप टीवी पर देखते होंगे, राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी पे अक्सर पूरा हाउस में कुछ ही सीट्स पर लोग बैठे होते हैं। सरकारें पीछे सालों में क्रूशल वोट्स भी हार गई हैं इस वजह से कि उनके मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट नहीं थे। ये एक मैं आपको इधर न्यूज आइटम दिखा रहा हूँ, ये बहुत फेमस न्यूज आइटम है 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी, उस दिन ये देखिए कपिल सिब्बल जो एचआरडी मिनिस्टर थे वो अकेले घर में प्रेजेंट थे। उस दिन लोकसभा का ये 0 आर है वो कैंसिल कर दिया गया था। इसके साथ ही आप देखते होंगे ये बड़ी एक कॉमन सी तस्वीर है कि हाउस खाली सा है, 10-15 लोग 20 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि एवरेज अटेंडेंस एमपीज की 70% है। तो ये क्या मामला है कि 70% लोग प्रेजेंट होते हैं लेकिन हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में नहीं आते हैं। एमपीज की अटेंडेंस जो है पर से नहीं ट्रैक होती है, एक साइनिंग रजिस्टर होता है हाउस में जहां पे उन्हें दिन में किसी भी समय, ये नहीं है कि सुबह ही करें, वो किसी भी समय उस पर दस्तखत करेंगे तो उस दिन का अलाउंस उनको मिल जाएगा। अगर उन्होंने साइन नहीं किया वो फिर भी जाके हाउस में बैठ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो हाउस में प्रेजेंस उनकी ट्रैक की जाए।
just signing as a register is enough for them to be given the daily allowance. एक और भी चीज है कि MPs जो हैं वो कभी भी छुट्टी लेके जा सकते हैं जब सेशन चल रहा हो, वो चाहे सिक लीव हो या तो बीमार पड़ जाते हैं या उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम है या इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के कैंपेनिंग हो रही है, यहां तक कि अगर किसी वजह से किसी MP को जेल हो जाती है तो भी वो सदन से छुट्टी लेके जा सकते हैं. तो विद दिस बैकग्राउंड आई नाउ स्टार्ट टुडेज एपिसोड के MPs की सैलरी कितनी है और वो कितना बोझ है आम जनता पर. MPs की सैलरी इज कवर्ड अंडर ए एक्ट विच वॉज मेड इन 1954. 1954 का ये एक्ट है जिसके तहत MPs को सैलरी और पेंशन दी जाती है. ये डॉक्यूमेंट राज्यसभा की वेबसाइट पर पूरा अवेलेबल है, नीचे मैंने लिंक दे रखा है. 1954 के बाद इस एक्ट को 30 बार मॉडिफाई किया गया है, यानी कि पिछले 67 सालों में 30 बार एक दो साल में ये मॉडिफाई हो जाता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद ही कोई सैलरी रिलेटेड एक्ट हिंदुस्तान में इतनी जल्दी और इतनी रेगुलरली ये अपडेट होता है. तो जल्दी से नजर डालते हैं इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पर. इसमें 8 चैप्टर हैं और एंड में एक एक्सप्लोरेटरी मेमोरेंडा है. पहला चैप्टर है सैलरी और अलाउंसेस का, जो कि 18 पेज में डिस्क्राइब्ड है. उसके बाद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस रूल्स, जो कि 24 पेज में है. फिर हाउसिंग एंड टेलीफोन पर 8 पेज का डिस्क्रिप्शन है. मेडिकल 1 पेज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 पेज और एडवांस फॉर व्हीकल उस पर 8 पेज है. ये देखना जरूरी था कि शायद ही कोई इतना डिटेल्ड HR डॉक्यूमेंट होगा, मैंने कई कंपनीज में काम किया है, कि जिसमें ट्रैवलिंग पर 24 पेज लिखे जाते हैं. अगर आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये किसी को दिया गया था और उससे कहा था जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ट्रैवलिंग की वो सारी इसमें डाल दो, अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए और अपने नॉन पर्संस के लिए. ये इतना डिटेल में ट्रैवलिंग एंड DA का ये डिस्क्रिप्शन कहीं और शायद नहीं मिलेगा. पार्ट 1 सैलरी एंड अलाउंसेस. जो MP है उनकी सैलरी है 1,00,000 रुपया पर मंथ. अलाउंसेस उनको मिलते हैं 2,000 रुपया पर डे जब वो ड्यूटी पर होते हैं और अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से दूर होते हैं, यानी कि जब हाउस सेशन में हो या किसी काम अन्य कामवश वो कहीं जाते हैं. यहां से आप प्रोग्राम एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से बिल्डअप शुरू होता है और ये देखिए धीरे धीरे कितने अलाउंसेस इन लोगों को मिलते हैं. बीच बीच में मैं उस सेक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको दिखाता रहूंगा. सो हियर इज इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1. सेशन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इनको ये डेली अलाउंस मिलता है, यानी कि 6 दिन, 6 × 2,000 = 12,000 रुपया. अब ये 3 दिन पहले आए या गए ये इसका ट्रैक नहीं है कहीं भी. अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं तो आप 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ये अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन या 8,000 रुपया. साइनिंग द रजिस्टर की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. रजिस्टर है, इनको साइन करना है तभी ये अलाउंस मिलता है. ये उसका डिस्क्रिप्शन है जो इस एक्ट में दिया गया है. एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके अलाउंसेस में. ये अलाउंसेस अब अपने आप ही हर 5 साल में ये बढ़ जाते हैं. 2018 से पहले एक हाउस कमेटी होती थी जो कि इस पर डिस्कशन होता था
और फिर वो सदन में पेश किया जाता था और पास होता था, फिर इनके अलाउंसेस या सैलरी बढ़ते थे एमपीज के। 2018 में मोदी सरकार ने इस सब से अलग एक ये एक्ट ही मॉडिफाई कर दिया। इसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया जो कि फाइनेंस कमीशन फाइनेंस एक्ट का पार्ट था कि देयर विल बी एन ऑटोमेटिक इंक्रीज इन अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स After every 5 years, effective 1st April 2023, तो 2023 में पहला बार ये ऑटोमेटिकली अपने अलाउंसेस और सैलरीज बढ़ जाएंगे। ये सेक्शन जो इंसर्ट किया है, ये इस एक्ट के हर सेक्शन में ये डाला गया है, यानी कि हर चीज उनकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, चाहे वो हाउसिंग का हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, वो अब हर 5 साल में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये भी बता दिया गया है कि ये कंप्यूट कैसे करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। शायद मेरे जो कुछ साथी हैं जो सीए हैं वो इस पे थोड़ी लाइट डाल सकते हैं। इसको कंप्यूट करने का तरीका जोड़ा गया है सेक्शन 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट से। सेक्शन 48 जो है वो है कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन। वो आप सबने कभी ना कभी यूज किया होगा, अगर आप जमीन या फ्लैट या घर बेचते हैं तो उसकी आज की कीमत जानने के लिए एक इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स के जरिए आप आज की कीमत उस प्रॉपर्टी की या कैपिटल गेन्स वाला जो भी आपके पास बॉन्ड्स हैं या जमीन है उसकी कीमत जानने के लिए ये एक्ट होता है। इस एक्ट को यूज करके सैलरी और अलाउंसेस बढ़ना ये और कहीं भी नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सारे एम्प्लॉयज को इसी से जोड़ दीजिए, क्यों हम पे कमीशन बैठाते हैं, हर जगह सालों लग जाते हैं, फिर हम रिट्रोस्पेक्टिव बढ़ाते हैं, वहां पे भी ये ऑटोमेटिकली लागू होना चाहिए। और कहां तक ये जायज है कि कैपिटल गेन्स का जो वैल्यूएशन का तरीका है उससे सैलरी बढ़ाई जाए, ये क्वेश्चन आप में से कोई अगर आंसर करे तो मेरे को भी ज्ञान प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रेवल अलाउंसेस। इन लोगों को हाउस अटेंड करने के लिए या कमिटी मीटिंग अटेंड करने के लिए या अन्य कोई बिजनेस अटेंड करने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। इसमें हवाई यात्रा का टिकट, 1 एयरफेयर, या अगर स्टीमर से आ रहे हैं तो हाईएस्ट क्लास, और सड़क से आ रहे हैं तो 16 रुपया किलोमीटर मिलता है। और अगर हाउस सेशन में है तो आप अपने स्पाउस को भी साथ में ला सकते हैं, मैक्सिमम 8 बार साल में। अमूमन साल में 4-5 सेशन ही होते हैं, तो जोड़ तोड़ के आप हर बार अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। यह नोट कर लीजिए कि सड़क से जो इन्हें पैसा मिलता है वो 16 रुपया किलोमीटर मिलता है। मेरे हिसाब से तो और कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में ये इसके बराबर पैसे नहीं दिए जाते हैं जब आप रोड से जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सेशन के बीच में भी ये लोग जा सकते हैं, और अगर वो कोई ऑफिशियल ट्रिप है तो उसका अलग से इनको ट्रैवलिंग अलाउंस या एयरफेयर दिया जाता है। इस सब के अलावा हर एमपी को 34 एयर टिकट्स मिलते हैं साल के, 34। वो ये टिकट जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं और कहीं भी जाने को इंडिया में यूज कर सकते हैं, और किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो अपना स्पाउस या किसी और को भी वो ये टिकट दे सकते हैं। एक बार और नोट कर लीजिए कि इस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास, यही मेंशन सिर्फ यही मेंशन है कि एयर ट्रैवल। ये आगे एक्सटेंड हो गया है किसी तरह के एमपी ये राइट अपना राइट मानते हैं कि उन्हें बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करना है। आपको याद होगा इस
बारे में कि कई एमपीज ने ये रकस भी क्रिएट किया था एयरपोर्ट पर, और यहाँ तक कहा था कि जब हमें बिजनेस क्लास का टिकट दिया जाता है तो हवाई जहाज क्यों ऐसा भेजा जाता है जिसमें बिजनेस क्लास नहीं होता है। आपको ये भी याद होगा जब शशि थरूर जब ने एक बार इकोनॉमी क्लास के लिए बोला था कि वो कैटल क्लास में ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। तो ये कहीं पे ये शायद एयरलाइंस ने इनको बिजनेस क्लास देना शुरू कर दिया है, एक्ट में ये कहीं नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर दो, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट वेयर अ मेंबर परफॉर्म जर्नी बाय रोड इन दिल्ली फ्रॉम एंड टू एन एरोड्रोम ही शैल बी पेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 120 रुपीज फॉर ईच सच ट्रिप। हाईलाइटेड यहां है मिनिमम, ये कहीं भी किसी भी रूल में ऐसा नहीं होता है कि कम से कम तो आपको इतना दिया जाएगा, हमेशा ये बोला जाता है कि मैक्सिमम सो मच। बट यहां पे इन्हें बोला है एयरपोर्ट से आने जाने के लिए आपको मिनिमम 120 रुपया मिलेगा, मैक्सिमम का कोई मेंशन है नहीं। और ये किस लिए 120 रुपया मिनिमम है, ये भी कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। शायद इसलिए कि भाई वो मेट्रो से तो जाएगी, हो सकता है मेट्रो का टिकट पार्लियामेंट हाउस से इतने का उन्हें पड़ता हो। दूसरा पॉइंट, इन इस एक्ट में एक चीज विशेष आपको देखनी है कि इन लोगों को खाने के पैसे नहीं दिए जाते, सारे खर्चे सरकार उठाती है, उनके घर का, उनके फैमिली का, उनके स्पाउस का, उनके पानी बिजली टेलीफोन सब का, लेकिन जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पर होते हैं तो खाने के पैसे नहीं दिए जाते। खाना नेसेसरली एमपी हैज टू स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट। अब आते हैं इनका रेल जर्नी पर, हर एमपी को एक फर्स्ट क्लास एसी का पास मिलता है, वो इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। जो वर्डिंग्स हैं इस एक्ट में वो उसमें ये लिखा है, दे शैल बी गिवन ए नॉन ट्रांसफरेबल वन फ्री फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास पास विच एंटाइटल देम टू ट्रैवल एट एनी टाइम बाय एनी रेलवे इन इंडिया, और इसकी वैलिडिटी है कि जब तक वो ऑफिस में है। ये अनलिमिटेड ट्रैवल है फर्स्ट एसी से, और एनी टाइम एनी रेलवे का मतलब है कि अगर फर्स्ट एसी में हम लोग जैसे मैं बैठा हूं और कोई सीट नहीं है तो वहां पे उस पैसेंजर को उठ के जाना पड़ेगा अपने एमपी साहब के लिए खाली करने के लिए, क्योंकि ये एक एक्ट है, ये लॉ है कि वो उन प्रायोरिटी से कभी भी जा सकते हैं, बगैर रिजर्वेशन वो आएंगे उनको सीट मिलेगी। दूसरी चीज इसमें नोट कीजिए कि ये कहता है एनी रेलवे, फिलहाल तो सिर्फ भारतीय रेल ही है, शायद मेरे हिसाब से तो कोई प्राइवेट रेलवे है नहीं, बट तेजस एक्सप्रेस है वो शायद IRCTC चलाती है, बट आने वाले समय में अगर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी तो उन ट्रेन में भी ये फर्स्ट एसी में फ्री जाएंगे और कभी भी जाएंगे। फिर इसके आगे कई क्लॉजेज हैं कि अगर वो जैसे लद्दाख एरिया में रह रहे हैं और जहाँ रेल नहीं है वहाँ वो हवाई जहाज से नियरेस्ट रेल हेड तक आ सकते हैं और उसके बाद अपनी रेल जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब द मैटर डजंट एंड हियर व्हेन इट्स रेल ट्रेवल, ये अपने साथ एक और आदमी को ले जा सकते हैं, पर्सन को ले जा सकते हैं, व्यक्ति को टू टायर एसी में जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो भी फ्री होता है। एक और चीज है कि अगर इनका स्पाउस इनके साथ नहीं है तो स्पाउस की जगह भी वो किसी और व्यक्ति को ले जा सकते हैं। बट इसके बाद जो एक बहुत मजेदार क्लॉज है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग अबव, यहां पे जो लिखा है उसको आप छोड़ दीजिए, स्पाउस विल ऑलवेज बी एंटाइटल टू ट्रैवल। मतलब ये है कि अगर एमपी साहब की
मिसेस ने कहा मैं नहीं जाऊंगी और वो किसी और व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, और लास्ट मिनट उन्होंने अपना मन बदल दिया, वो स्टेशन आ गई तो वो व्यक्ति भी जाएगा और उनकी मिसेस भी जाएंगी, इसका ये मतलब हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, ये जो एक्ट है इसमें ये जो सर्टन वर्ड्स हैं विदाउट प्रेजुडिस या नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग अबव, ये कुल मिला के 15 बार यूज हुए हैं। 8 चैप्टर हैं, उसमें 15 बार ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं कि ऊपर जो हमने लिखा है वो आप अलग छोड़ दीजिए, इसका ये मतलब है। मतलब ये इसका ये है कि आप कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना कर दें, उसके लिए एक ओवरराइडिंग क्लॉज लगभग हर चैप्टर में डाल दिया गया है। खाने के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, इवन ट्रेन जर्नी में भी इनको खाने के पैसे खुद देने पड़ते हैं। अब ये बात अलग है कि वो कैटरिंग वाला एमपी साहब से पैसे मांग सकता है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 18 मई 2009 से एमपीज की पेंशन 25,000 रुपया महीना निर्धारित की गई थी। The pension is given to every member who has served for any period as a member of the provisional parliament or either house of parliament. इसके अलावा हर completion, हर साल additional complete करने पर 2,000 रुपया मिलता है additional pension का। तो मान लीजिए कि अगर किसी कोई 5-term MP है तो first term 5 साल complete करने पर 25,000 रुपया, उसके बाद उनको एडिशनल 40,000 और मिलेगा, टोटल पेंशन 65,000 रुपया होगी। एमपी की पेंशन भी अब उसी क्लॉज से जोड़ दी गई है, 2023 में ये ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी बेस्ड ऑन दी कॉस्ट इंडेक्स जो के डिफाइन किया था सैलरीज के लिए। एक और खास बात है एमपी की पेंशन के लिए कि ये पेंशन अगर इन केस एमपी की डेथ हो जाए तो उनकी स्पाउस को फुल पेंशन मिलती है, बाकी जगह सरकार में फैमिली पेंशन हाफ हो जाती है, बट एमपी के केस में पूरी पेंशन स्पाउस को होती है। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाए तो ये पेंशन उनके डिपेंडेंट्स को भी कंटिन्यू करते हैं, फुल पेंशन टू डिपेंडेंट, अनलेस के शायद अगर वो सरकारी नौकरी वगैरह या चले जाए वो लोग। एक्स एमपी को ट्रेवल के लिए लाइफ लॉन्ग रेलवे पास मिलता है फर्स्ट एसी का, अगर वो अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एसी में जा सकते हैं, या अगर कंपेनियन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सेकंड एसी में जा सकते हैं। ये फैसिलिटी उनको लाइफ लॉन्ग है, हमेशा के लिए है। तो आज का एपिसोड मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एमपीज के अलाउंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो एक एपिसोड में कवर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।